आज हम वायवी अर्थात ऑक्सी और अवायवी अर्थात अनाक्सी श्वसन में अंतर समझेंगे। हमें पता है कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से या विखंडन से भिन्न भिन्न जीव ऊर्जा प्राप्त करते हैं, लेकिन उनके ऊर्जा प्राप्त करने के जो पथ होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। यही कारण है कि उनके जो ऊर्जा प्राप्त करने के तरीके होते हैं उनको हम अलग अलग नामों से पुकारते हैं। परंतु सभी जीवों में जो एक कॉमन बात होती है वो सबसे पहले ये होती है कि वो क्या करते हैं कि कोशिका द्रव्य के अंदर, सभी जीवों में ऐसा होता है कि कोशिका द्रव्य के अंदर ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन वाला अणु है उसका विखंडन होता है और विखंडन होकर पाइरुवेट बनता है जो 3 कार्बन वाला अणु है। तो सारे जीवों में ये होता है, मतलब ये कॉमन बात है, इसमें कोई अलग बात नहीं है। लेकिन अलग बात शुरू होती है अब यहाँ से, पाइरुवेट के बनने के बाद, मतलब ये वाला जो चरण है इसको अगर हम पहला चरण बोले तो ये सभी जीवों में एक जैसा है। अब पाइरुवेट बनने के बाद में अगर मान लीजिए कि पाइरुवेट का जो विखंडन है ना, अगर पाइरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो अगर पाइरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में, मतलब ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में हो और उसके फलस्वरूप जल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मिले, तो हम कहेंगे कि यह वायवीय श्वसन है अर्थात ये ऑक्सी श्वसन है। क्या कहा हमने कि जो वायवीय श्वसन है इसमें पाइरुवेट का जो विखंडन होता है, पाइरुवेट का विखंडन जो होता है वो ऑक्सीजन का उपयोग करके होता है, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और ये कहाँ होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और ये अधिकांश जीवों में होता है। तो इसमें क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, इसमें जल बनता है, और चूंकि ये प्रक्रम ऑक्सीजन की उपस्थिति में हुआ है इसलिए इसको हम वायवी या ऑक्सी श्वसन कहते हैं। वायवी मतलब वायु की उपस्थिति में, वायु में क्या होगा, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और इसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा भी रिलीज होती है। अगर दूसरी तरफ अगर हम देखें जिसको हम अवायवी या अनाक्सी श्वसन कहते हैं, तो ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और इसमें जो ये पाइरुवेट है ये इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। ये प्रक्रम किण्वन के समय यीस्ट में होता है और ये जो अवायवी श्वसन होता है ये परजीवी, आप ये मानिए परजीवी जैसे फीताकृमि है, गोलकृमि है, इनमें भी होता है। तो ये बेसिकली जो वायवी या ऑक्सी श्वसन और जो अवायवी या अनाक्सी श्वसन है इसके अंतर को अगर आप इस पात पर देखें तो हम पाएंगे कि जो वायवी श्वसन है, ऑक्सी श्वसन है, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हुआ है, अवायवी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हुआ है। साथ ही हमने यहां समझा कि इसमें अधिक ऊर्जा हमें प्राप्त हुई, इसमें तुलनात्मक रूप से कम ऊर्जा प्राप्त हुई, इसमें जो अंतिम उत्पाद है वो जल और कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें अवायवी में वो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड तो खैर आपको दोनों जगह मिल ही रहा है।